My name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are new here. Hi, my name is Kashika. I make videos related to acne, skincare, beauty, fashion, shopping hauls, lot of things basically जो कहीं ना कहीं आपके लिए helpful रहेगी रहेगी. So make sure you hit the subscribe button and the bell icon as well. So आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे products की that I have repurchased basically जो मेरे high and buy वाले होते हैं. अगर आपको नहीं पता what is high and buy, so Instagram पर जब भी मैं कुछ new लेती हूँ चाहे same लूँ या फिर different brand का in the same category like in same face wash toner, I always post पिक्चर की हाई टू दिस एंड बाय टू दिस. बट ये वाले ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई बाय सेम ही है बेसिकली बिकॉज मैंने यही प्रोडक्ट्स रीपर्चेज करे हैं. नाउ आप सोचोगे क्या वीडियो कंसेप्ट है कि रीपर्चेजेस, ऑब्वियसली नॉर्मल लाइफ में लोग यही करते हैं, उनका एक चीज खत्म हो जाती है उसको रीपर्चेज करते हैं. बट आई एम अ स्किन केयर एंड ब्यूटी कॉन्टेंट क्रिएटर, यू वोंट बिलीव मी. बस हर कैटेगरी के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स पी आर में पड़े हुए हैं. बट स्टिल आई थिंक इफ आई चूज सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स अगेन दैट मीन्स मुझे इनसे सही में प्यार है. सो आज मैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, दीज आर ऑल माई एब्सोल्यूट लव. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. माई नंबर वन हाई एंड बाय हैज टू बी अ सनस्क्रीन. डोंट टेल मी कि आप सनस्क्रीन जल्दी जल्दी खत्म नहीं करते, बिकॉज अगर आप नहीं खत्म कर रहे हो तो मीन्स आप कम लगा रहे हो. एंड सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है. छत पर भी जाते हो ना तो प्लीज सनस्क्रीन लगा के जाया करो. दिस इज लाइक माई घर वाली सनस्क्रीन बिकॉज आई एब्सोल्यूटली लव इट. इसके अंदर वो हैवी सिलिकॉन वाला बेस नहीं है जिसको मुझे रात को उतारने में प्रॉब्लम होगी. जिंक ऑक्साइड ये सनस्क्रीन है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एसेंशियल ऑयल है जिसकी एक अच्छी खुशबू आती है. अदरवाइज तो ये फ्रेग्रेंस फ्री और वाटर रेजिस्टेंट है, बट आई लव इट. द ओनली थिंग इसकी हल्की सी व्हाइट कास्ट और हल्की हल्की पाइलिंग फील होती है बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन है तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, बट हम घर पे हैं तो काम चल जाता है. सो एक तरह से मेरी घर वाली सनस्क्रीन है, आई एब्सोल्युटली लव इट. मेरा कूपन कोड वर्क करता है, 1 लाख के ऊपर आप वो लगा सकते हो. दिस इज माय एब्सोल्यूट लव इन द सनस्क्रीन कैटेगरी. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ ईक्लैड एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ईक्लैड. कुछ उन्होंने पैसे नहीं दिए, खाली मेरा जो कोड है वो उनके साथ एफिलिएटेड है. अदरवाइज कोई स्पॉन्सर्ड या फिर कोई पेड इसके अंदर काम नहीं हो रहा है. मैं 100% ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ. सो ये थी ईक्लैड की फेड आउट की बॉटल जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, ऐसी पैकेजिंग के अंदर आती थी. इसका मेरा पंप भी टूट गया था, मैंने लिटरली ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट निकाला है. पूरी मैंने फिनिश कर दी थी, आई गेस दिसंबर में ही. मैंने अपने एक्ने ईयरली फेवरेट्स में भी इसका फीचर किया था. और ये इनकी न्यू बॉटल, दे कॉल इट ईक्लैड फेड आउट पिगमेंट करेक्टिंग सीरम, बट ट्रस्ट मी ये एक्ने प्रोन वालों के लिए एक मैजिक बॉटल है. मैं इसको एक तो रेगुलर यूज नहीं करती, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. सो रेगुलर नहीं यूज करती तो थोड़ा लंबा भी चल जाता है. मैं खाली इसको ट्वाइस अ वीक मैक्स यूज करती हूँ, थ्राइस ज्यादा ज्यादा हो जाता हूँ, वरना आई स्टिक टू ट्वाइस. अभी गर्मी है, धूप का मेरा बहुत ज्यादा लाइक छत पर जाना होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ हल्का सा, बिकॉज इसके अंदर एजिलिक एसिड है, देन इसके अंदर ट्रांस एग्जामिक एसिड है. इसके अंदर जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, दे आर अमेजिंग फॉर एक्ने मार्क्स एंड एक्ने एज वेल. एजिलिक एसिड ओवरऑल इज अ वंडरफुल इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन, वर्क्स लाइक मैजिक. इसके अंदर नियासिनमाइड भी है जो हमारे जो स्किन का बैरियर होता है उसको भी मेंटेन करके चलता है. एंड एट लास्ट ये पिगमेंट करेक्टिंग सीरम अपने आपको क्लेम करता है, तो जो भी आपको पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं लिप्स के अराउंड या वैसे भी हमें बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है उसके साथ भी ये डील करता है. सो ट्वाइस अ वीक एट नाइट दिस इज माय करंट फेवरेट सीरम. और आई थिंक अब ये भी खत्म होने वाला है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच गई हूँ. सो इसकी थर्ड बॉटल भी सून आने वाली है. सो सिंस हम ईक्लैड की बात कर रहे थे, मेरे पास ईक्लैड का एक्नेटेड फेस वॉश भी है जो मेरा पहले वाला पूरा खत्म हो गया था और वो मेरे से गलती से शायद थ्रो हो गया. मेरे को उसको एम्प्टी वाले बास्केट में डाल के रखना था, बट मैंने वो शायद जल्दी जल्दी डस्टबिन में डाल दिया था. बट आई ऑलवेज कलेक्ट माई एम्प्टीज फ्यूचर एम्प्टीज वीडियो के लिए. लेकिन मैंने उसका ऑलरेडी ऑर्डर डाल दिया है, मैंने कल परसों ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था ईक्लैड एक्नेटेड फेस वॉश का, वो भी आ जाएगा. नेक्स्ट फेवरेट फ्रॉम रीपर्चेज कैटेगरी हैज टू बी द नेचर तत्वा रोज वाटर. मुझे ऑलमोस्ट अब 6 to 7 months होने वाले हैं मैं टोनर्स एक्टिवली इतना यूज नहीं कर रही हूँ. कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन मैं शायद वीक में एक दो बार यूज कर लेती हूँ, कॉसरेक्स का या फिर ईक्लैड का अपना ही. लेकिन जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, मैं ये यूज करती हूँ रोज वाटर स्प्रे. बेसिकली दिस इज गुलाब जल रोज वाटर, हैंड पिक्ड देसी रोज से बना हुआ है. ये मेरी सेकेंड बॉटल है एंड ये फर्स्ट बॉटल खत्म हो गई थी, लेकिन इसके अंदर कॉलिन डला हुआ है, मैंने इसे मार्कर से लिख भी दिया था. मैं ऐसी स्प्रे बॉटल्स को कभी थ्रो नहीं करती, हमेशा काम आती है. स्पेसिफिकली अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, हम बड़ी ही सैनिटाइजर की एक बॉटल ले लेते हैं और फिर ऐसे टोनर स्प्रे की बॉटल में उसको रिफिल करके हम सब फैमिली मेंबर एक एक रखते हैं, बेटर रीयूज होता है. मैं मॉर्निंग में जो सीरम लगाती हूँ, जो मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ, वो भी मेरा हाई और बाई कैटेगरी का है. उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, तो मैं हमेशा स्प्रे करती हूँ थोड़ा सा रोज वाटर, उसके बाद मैं वो सीरम यूज करती हूँ ताकि हाइलुरोनिक एसिड को हल्का सा एक डैम फेस मिल पाए. अदरवाइज एज वेल रोज वाटर इज अमेजिंग. अभी गर्मी है ना, इसको फ्रिज में भी रख सकते हो आप, कांच की बॉटल है, ठंडा ठंडा स्प्रे करो अपने फेस के ऊपर, यू फील रिलैक्स एंड हैप्पी. ओवरऑल ये एकदम डिसेंट रोज वाटर है, ना इसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ना इसमें कोई केमिकल है. दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड आई कैन ऑल्सो से फॉर सेंसिटिव स्किन, बिकॉज ये सेंसिटिव स्किन को भी परफेक्टली सूट करेगा.
My next high and buy has to be Dr. Belmar acne patches. अब तो शायद मेरी थर्ड ईयर एनिवर्सरी होने वाली है इनके साथ. मैंने कितने पैकेट्स खत्म कर दिए होंगे एंड मैंने इससे पहले और भी पैचेस भी आपको दिखाए हुए हैं. बट द थिंग इज पैसे के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना ये वर्थ पड़ते हैं. इसका एक्चुअल एम आर पी 790 समथिंग, लेकिन अमेजोन पर ये 520 550 की डील आती है, कभी कभी आती है, और उस पर ये एकदम वर्थ है. बिकॉज 300-400 भी जो आपको अमेजोन पे बाकी ब्रांड के एक्ने पैचेस मिलते हैं ना, उसमें आपको पैचेस कम मिलते हैं. इसके अंदर आपको 3 पैच का सेट मिलता है विच इज जस्ट परफेक्ट. इसके अंदर 2 आते हैं हाइड्रोकोलॉइड के जो एकदम परफेक्ट है पस्ट्यूल के लिए. जो भी हमें व्हाइट कलर के पस्ट्यूल हो जाते हैं ना, मुझे अभी यहाँ पे एक हुआ हुआ छोटा सा, ये मुझे लग रहा है ये बड़ा होगा. इसके ऊपर कोई भी जेल ट्यूब नहीं काम करने वाली एंड फॉर श्योर मुझे पता है. तो मैं यही हाइड्रोकोलॉइड पैच लगाती हूँ, सुबह तक एकदम सारा गंक एंड ऑल बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्ने एकदम चला जाता है. अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, आपको फटाफट से एक्ने को हटाना है, पैचेस आर द बेस्ट थिंग. एक पैकेट इसके अंदर आता है स्पॉट प्लास्टर पैच का, जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है. आप तो उसको लगा के बाहर भी जा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा. ये मास्क के नीचे लगाने के लिए भी एकदम परफेक्ट है, बिकॉज अभी मास्क एक्ने चल रहा है, काफी लोगों को एक्ने हो जाता है या एक्ने ऑलरेडी होता है, लाइक मुझे अभी यहाँ पर है. मुझे अभी अगर बाहर जाऊंगा तो मैं ये पैच लगाऊंगी, उसके ऊपर फिर मैं मास्क पहनूंगी, मेरे मास्क से एटलीस्ट वो एक्ने इरिटेट नहीं होगा. सो दीज पैचेस आर लाइक माई सेवियर एंड आई हैव टू रीपर्चेज देम मल्टीपल टाइम. एंड नेक्स्ट हाई एंड बाय हैज टू बी द मिनिमलिस्ट अल्फा आर्बिटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड का सीरम. इसी की बात मैं कर रही थी, इसको लगाने से पहले मैं रोज वाटर स्प्रे करती हूँ, मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ बेसिकली. अगर आपने मेरा मॉर्निंग इवनिंग वाला स्किन केयर रूटीन ही देखा जो मैंने अभी रिसेंटली डाला था, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. उसके अंदर मैंने प्रॉपर पूरा अपना रूटीन समझाया, मैं क्या कब यूज़ करती हूँ, फेड आउट कब यूज़ करती हूँ, मतलब सब कुछ मैंने उस पर समझाया हुआ है. सो ये उनकी पुरानी पैकेजिंग ऐसे ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आता था. अल्फा आर्बिटिन अगर आपको नहीं पता, बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है टू जस्ट लाइटन योर मार्क्स. अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स है ना, तो ये लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. क्लेम भी यही है, दिस टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड इवन स्किन टोन. प्लस इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है ना, तो मेरी स्किन एकदम प्लम्प रहती है, एकदम सूखी सूखी ड्राई नहीं फील होती. दिस इज द न्यू पैकेजिंग जो ऐसे डार्क बॉटल में आती है, विच इज़ गुड बिकॉज ओवर द टाइम इफेक्टिविटी कम हो जाती है. एज इन मतलब इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं खराब होने के चांसेस होते हैं सनलाइट से, सन रेज से. सो ऐसी डार्क बॉटल में है ना, तो ये काफी अच्छी तरीके से चलने वाला है. अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मुलेशन एप्लीकेशन इज जस्ट द सेम. मिनिमलिस्ट सबको पता है एकदम परफेक्ट ब्रांड है, ना कोई फ्रेग्रेंस है, ना कोई फालतू का केमिकल है. द ओनली थिंग इज एलोवेरा बेस से बनते हैं. ऑर्डिनरी के जो सीरम्स हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं, एक्वा बेस्ड होते हैं. सो खाली यही डिफरेंस है, अगर आपको एलोवेरा सूट कर जाता है ना, ये आपको पक्का सूट करेगा. एंड नेक्स्ट हाई एंड बाय इज द जिट केयर ट्यूब. नाउ ये आपको केमिस्ट पर भी मिल जाएगी, मैं 1mg से ऑर्डर करती हूँ बिकॉज कभी कभी केमिस्ट पर अवेलेबल नहीं होती, प्लस मैं भी इतना ज्यादा बाहर नहीं जाती. मैं 1mg से एक साथ ही 2-3 महीने का जो भी मेडिसिन हेल्थ वाला स्टॉक होता है वो खरीद लेती हूँ. सो मैंने दोनों बार 1mg से ही खरीदी थी. आई डोंट थिंक ये बाकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है. सो ये जिट केयर एस, ये बेसिकली सैलिसिलिक एसिड की एक जेल होती है. इसके अंदर 1% सैलिसिलिक एसिड है. अब मैं भी 2% सैलिसिलिक एसिड वाले सीरम यूज करती हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा कभी कभी मन ही नहीं करता कि पूरे फेस पर सैलिसिलिक एसिड का एक सीरम लगाऊं. जब भी मुझे ऐसे एक्ने एंड ऑल होते हैं ना, मैं खाली इसी को यूज करती हूँ. कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता तो खाली ऐसे यूज किया एंड यू आर गुड टू गो. इसके अंदर 1% है, तो ये स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. आई थिंक दिस फॉर्मुलेशन इज बेटर देन 2% बिकॉज जिस जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो 2% सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को कभी कभी और सुखा देता है. तो उस सेंस में 1% सैलिसिलिक एसिड इज जस्ट परफेक्ट. इससे पहले मैं सेबोजेल यूज करती थी. अगर आप ओजी फैन हो, आप बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते हो, आपको पता होगा, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया. 2% सैलिसिलिक एसिड था, नियासिनमाइड भी था. अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो डेफिनेटली आप सेबोजेल ले सकते हो. अदरवाइज फॉर बेसिक जिट्स, जैसे छोटे छोटे जिट्स होते हैं ना, उसके लिए जिट केयर इज जस्ट द परफेक्ट जेल. एंड नेक्स्ट हाई एंड बाय इज द प्लम एलोवेरा जेल. ये मेरा ऑलमोस्ट मिड से भी नीचे जा चुका है, आप देख सकते हो इतना नीचे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक ही पहुँच गया है. और नेक्स्ट टब मेरे पास आ चुका है. सो रिसेंटली मुझे प्लम ने पीआर भेजा था और उसके अंदर ये जेल था, सो मैं काफ़ी खुश हो गई थी बिकॉज एनी हाउ मैं इसको रीपर्चेज करने वाली थी. आई लव्ड इट, इट इज़ अमेजिंग. एकदम थिन कंसिस्टेंसी का ये एक्चुअल, जैसे रियल एलोवेरा जेल आप यूज़ करते हो ना, बिल्कुल ही वैसा फील होता है. इसकी वो फेक वाली जेल कंसिस्टेंसी नहीं है. आई लव इट. प्लस ये फ्रेग्रेंस फ्री है, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, कुछ भी इसके तक खराब वाला कोई सीन नहीं है. 99% नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है. मैंने इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे जाके चेक कर सकते हो. बाद में मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, अगर मैंने किसी और वीडियो में प्रॉपर उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आप वो जाकर देख लेना. मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो करंटली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ नाइट मास्क. रात को जो भी नाइट टाइम स्किन के रूटीन करना होता है, फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, सब कुछ किया, लास्ट में मैं इसकी अच्छी खासी लेयर लगाती हूँ. लाइक ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत लगाया नहीं, गुड टू गो. मैं लिटरली एक लेयर बना के इसको सोती हूँ. रात का एक पूरा स्लीपिंग मास्क बन जाता है और सुबह जब आप वॉश करोगे, देन आपको कभी कभी फेस वॉश यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज यही मेल्ट होते होते हमारी स्किन को क्लियर कर देता है. मेरा
कोड भी है प्लम के साथ अब स्टार्ट हो चुका है, विच इज कशिका 15। अब प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ये कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा आपके परचेज के ऊपर। सो या दिस इज माई अनदर हाई एंड बाय लव। लास्ट आइटम दैट आई टोटली फॉरगॉट, मुझे इसकी डार्क बॉटल लेके आना है बिकॉज उसकी भी जो नई पैकेजिंग है वो डिटो ऐसी है, वो है ब्लेंडेड रॉ ब्यूटी का रोजिप ऑयल। नाउ अब तो गर्मी आ चुकी है, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन सर्दियों में मैंने उसका पहला जो प्रॉपर वो इसी साइज का आता है मैंने पूरा खत्म कर दिया था। आई इंसर्ट द पिक्चर राइट हियर। आई लव्ड इट। रोजिप ऑयल जो होता है बेसिकली ड्राई ऑयल बोला जाता है, वो ग्रीसी नहीं होता, ऑयली नहीं होता स्किन के लिए। तो ये मत सोचो आपकी ऑयली स्किन है, ऑयल लगाओगे और ऑयली हो जाएगी, उससे तो बिल्कुल नहीं होने वाली। मैं सर्दियों में लिटरली लाइक ऑलमोस्ट अच्छा खासा अमाउंट भर के नहीं लगाती थी, लेकिन इतना डिसेंट लगाती थी कि मेरी स्किन अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी, वो अच्छे से वर्क करता था, ओवरनाइट मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करता था, और विंटर्स में मेरी वो अजीब सी फटी फटी स्किन भी रहती थी। सो विंटर्स में डेफिनेटली मैंने उसका फर्स्ट बॉटल खत्म कर दी थी। आपकी भी कॉम्बिनेशन स्किन, आपको कभी कभी ड्राई फील होता है ना, तो आप डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हो। ब्लेंडेड रॉ ब्यूटी इज एन अमेजिंग होम ग्रोन ब्रांड। दीज आर ऑल माई बाय एंड हाई अगेन वाले फेवरेट, दीज आर माई रीपर्चेजेस दैट आई लव टू मच। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रखे हुए हैं पीआर में जो भी मुझे रिव्यूज के लाते हैं, बट अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज दोबारा ट्राई करनी है बिकॉज मुझे इतनी पसंद आई है, देन डेफिनेटली दे आर वर्थ ट्राइंग। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। ऑल्सो नीचे कॉमेंट से मुझे बताना आपका कौन सा बाय एंड हाई अगेन रहा है जिसको आपने रीपर्चेज किया बिकॉज यू लव्ड इट। मे बी आपकी रीपर्चेज से मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, सो अपना भी एक कैटेगरी नीचे कॉमेंट्स में डाल देना। डू एजुकेट योर फेलो ऑडियंस एज वेल। दैट इज इट for today's video. Follow me on Instagram for more updates. I'll see you next time. Bye bye.